हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हम कहाँ पर आए हैं। हम फिर से एवेन्यू मॉल आ गए हैं और शॉपिंग के लिए। और क्या क्या शॉपिंग कर दी हम आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर वॉच का बहुत अच्छा कलेक्शन था, लेडीज़ का भी और जेंट्स का भी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी वॉच है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव थी वॉच और बहुत अच्छी अच्छी वॉच थी। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की पसंद की वॉच ली थी और मुझे भी अच्छी लग रही थी। तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कैसी वॉच ली है मैंने। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वॉच थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी वॉच है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कलेक्ट कर ली अपनी वॉच और यहाँ पर हम अपनी वॉच लेके जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी वॉच थी मेरी। और मदर के थोड़ी शॉपिंग की थी बेबी के लिए, वो भी मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी क्या क्या लिया है मैंने बेबी के लिए। और यहाँ पर एवेन्यू मॉल में हम और दूसरी जगह जा रहे थे और आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर से कितना वाइट वाइट दिखाई दे रहा है एवेन्यू मॉल। बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब लग रहा था। दोपहर के टाइम हम आए थे, लंच वगैरह किया था। तो लंच वगैरह करके उसके बाद हम रेस्ट भी नहीं किया, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। तो इस वजह से हम मॉल आए थे घूमने के लिए और कुछ ख़रीदने के लिए भी आए थे। तो यहाँ पर मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं यहाँ पर वेट कर रही थी हस्बैंड का क्योंकि सामने हस्बैंड गए थे अपना मतलब मोबाइल का कुछ लेने के लिए, हेडफोन ये वगैरह कुछ लेने के लिए गए थे। तो वो मैं यहाँ पर बैठी थी और मैं नहीं गई थी, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर वेट के मैं वेट कर रही थी उनका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वॉच को देख रही थी अपनी, मेरी इसमें वॉच आई है तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत दिल खुश हो रहा था। अपनी पसंद की वो चीज़ आ जाती है ना तो दिल खुश हो जाता है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ये वाली वॉच लेने के लिए, तो फाइनली अब मिल गई मुझे मेरी वॉच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने हस्बैंड गए हुए हैं इसके अंदर और यहाँ से वो लेने गए हैं, माइक वगैरह है और हेडफोन है वो लेने गए हैं। और मैं आपको अपनी वॉच दिखा रही हूँ बार बार, ये देख सकते हैं आप, ये वॉच है मेरी। इसके अंदर वॉच ऐसे इस तरीके से पैकिंग होके आई है और मैं घर जाके दिखाऊंगी कितनी अच्छी वॉच, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं और यहाँ पर जो हस्बैंड क्या क्या चीज़ें लेके आए वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो माइक थोड़ा सा मतलब माइक भी है और कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ यहाँ उनसे पूछ रही थी कि दिखाना कैसा लेके आए हो, तो मुझे देखना है। तो वो ये कह रहे थे इस तरीके का है। और पावर बैंक ली थी उन्होंने, तो पावर बैंक मतलब जैसे फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है ना आपका, तो फ़ोन चार्ज के लिए तो हमें कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पावर बैंक भी ली थी उन्होंने और माइक वगैरह भी लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से वो मुझे दिखा रहे थे, कह रहे थे घर जाके दिखाऊंगा और अभी बस इतना ही देख लो। तो उसके बाद यहाँ पर हम दोनों थक गए थे बहुत ज़्यादा, रेस्ट कर रहे थे बैठ के। उसके बाद फिर हम चले गए थे स्केचर में शूज़ लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केचर के शूज़ काफ़ी अच्छा अच्छे शूज़ हैं, वाइट कलर में भी हैं, ब्लैक में हैं और मतलब बहुत सारे कलर हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितने सारे कलर हैं शूज़ के। तो मुझे सारे शूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे, ब्लैक कलर के भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन ऑलरेडी हस्बैंड के पास ना ब्लैक कलर के शूज़ थे स्केचर के, इसलिए उन्होंने लिए नहीं। मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है और ये ग्रे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ग्रे कलर में ना साइज़ नहीं मिला तो इसलिए लिया नहीं, ये ग्रे कलर बहुत अच्छा था। तो हमने ये मतलब वापस कर दिया वाला स्केचर को, आप ये देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा कलर था। तो इस तरीके की लाइट कलर ही हस्बैंड को पसंद आते हैं। तो हमने कौन सा कलर लिया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड में ब्लैक है और ग्रे कलर है, यहाँ पर आप चेक करके देख रहे हैं ये कौन सा लेना है मुझे, कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी, ऐसे होता है ना काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती हैं सामने तो समझ में नहीं आता क्या लें क्या नहीं लें, तो बस सोचते रहते हैं दिमाग में क्या लेना क्या नहीं लेना, तो वही चल रहा था। तो काफ़ी सारे शूज़ रखे थे और काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ थे, तो यहीं पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो मैंने उन्हें बताया तो ये वाले ले लो, फिर उन्होंने बोला कौन से लूँ कौन से लूँ। तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड हुआ ये वाले जो ये पहन रहे हैं ना, ये वाले डिसाइड हुआ था फाइनली ये वाले लेने। कलर भी अच्छा लग रहा था इसका और मतलब हल्का ब्लू में झलक मार रहा है, कलर ब्लू कलर का ही है, झलक के हमारा ब्लू कलर ही है ये। तो यही वाला शूज़ अच्छा लगा मुझे, तो ये वाले हम शूज़ ले लेंगे और ये ब्लू कलर के हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे शूज़, बहुत ज़्यादा अच्छे थे।
और स्केचर के शूज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और हमने तो मैं इससे पहले भी लिए थे एक ब्लैक कलर के, वो हस्बैंड ने पहन रखे हैं, और दूसरे ये वाले ले रहे थे कलर के लिए, दूसरा कलर लेना है मुझे। और अच्छा लगता है ना, स्केचर के शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, मतलब पैर में ना ज़्यादा हैवी हैवी महसूस नहीं होता, पहन के ऐसे नहीं लगता, मतलब शूज़ बहुत ज़्यादा भारी भारी महसूस नहीं होता, और लाइट वेट हो शूज़ होते हैं, और मतलब लाइट लाइट सा फील होता है, काफ़ी कम्फर्ट फील होता है शूज़ पहन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी सारे शूज़ हैं। तो यहीं पर हम बैठ के देख रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया सोचने में कि कौन से लें, फिर यहाँ पर फाइनली डिसाइड हुआ ये वाले शूज़ लेने, जो मैंने आपको भी दिखाए थे वही वाले शूज़ लिए। और घर जाके मैं और भी अच्छे से दिखाऊंगी आपको किस तरह के कौन से शूज़ लिए हमने। तो ये हमारे डिसाइड हो चुके थे, हमने फ्री वाले शूज़ लिए और काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई थी यहाँ पर। हमने वॉच भी ले ली, और मदर केयर से बेबी के लिए कपड़े भी लिए, और स्केचर के शूज़ वगैरह ले लिए। तो काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था हमें मॉल में आए, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता हम मॉल में आएँ और जल्दी से चले जाएँ, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने ले ली थी। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम ये इली है ना, इसमें हमने मतलब टी वगैरह पी थी, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये भी। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मतलब मुझे वाटर वाटर मैंने मंगाया, वाटर वाटर मंगा के मैंने पानी पिया है यहाँ पर, और मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी ना कि चल चल के मेरे पैर थक गए थे, मुझसे ज़्यादा मतलब चला नहीं जा रहा था। मॉल में क्या ना कितना चलना पड़ता है ना, बहुत बहुत दूर चलना पड़ता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो वैसे यहाँ उसके बाद हम आ गए थे एल सी वे केकी में, और एल सी वे केकी में भी हमने यहाँ से भी शॉपिंग की थी, और क्या क्या लिया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड चूज़ कर रहे थे क्या मतलब टी शर्ट वगैरह है और भी सारी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पर एक साइड में बैठ गई, मैं थक गई थी, मैंने सोचा आप सॉक्स वगैरह देख लो, सॉक्स यहाँ पर देख रहे थे हस्बैंड, मैं एक साइड में बैठ गई थी, मैं मतलब वो सॉक्स वगैरह देख रहे थे, चेक कर रहे थे मुझे कौन से लेने कौन से नहीं लेने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ये वाली जो टी शर्ट है ना, वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की शर्ट है, तो ये वाली शर्ट और टी शर्ट अच्छी लग रही थी। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी ये वाली शर्ट और टी शर्ट ले लो, तो वो कह रहे थे हाँ हाँ ये वाली अच्छी लग रही है शर्ट टी शर्ट। तो फिर और भी देख रहे थे हम, तो देखते देखते ये फिर फाइनली ये वाला, फिर फाइनली हमने ये वाली शर्ट और टी शर्ट ले ली थी, बहुत अच्छी थी ये। फिर एल से लेके किसी भी हमने थोड़े बहुत शॉपिंग की, सॉक्स वगैरह लिए, शर्ट टी शर्ट ली, जो भी लिया वो भी मैं सब आपको दिखाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था हमें घूमते हुए, इतना ज़्यादा थकना थक जाते हैं ना, अच्छा ही है ना चल लेते, चलने से वो मतलब अच्छी सी वॉक हो जाती है, मॉल में चल के थोड़ा शरीर के लिए हेल्थी मतलब शरीर के लिए हेल्दी है ना, चलना अच्छा रहता है, तो सही है, वहाँ मॉल में थक बहुत जाते हैं मगर। तो फिर उसके बाद हम जाने लगे थे घर, इतने ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आईकिया का साइड का है, जैसे आईकिया है ना ये उधर साइड का है इस एरिया, और ये सामने एरिया देख रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ कभी थकती हूँ ना तो इस कोने में आके बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कार आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी कार यहाँ पर लगी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी कार यहाँ पर खड़ी हुई थी। और इस आईकिया की साइड की जगह है, जो आईकिया बना हुआ है ना वेन्यूज मॉल के पास में, उधर साइड की जगह है, और आईकिया का एंट्रेंस है ये, यहीं से एंटर करते हैं आईकिया में जाने के लिए। तो उसके बाद हम वेन्यूज मॉल से हमने शॉपिंग किया, आईकिया से निकले, लेकिन अवेन्यूज अंदर अंदर मॉल से शॉपिंग करके ना हम आईकिया की साइड से निकल के आए थे। और अब हम जा रहे हैं अपनी कार के पास, जहाँ पर हमारी कार खड़ी है वहाँ जा रहे हैं हम, जल्दी जल्दी जा रही थी मैं, इतना थक गई थी ना बता नहीं सकती आपको, मैं बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो फाइनली इतनी थकान के बाद कार के पास आ गए अपने, और ऐसा लग रहा था बस जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ घर पहुंच जाओ। फिर हस्बैंड ने बोला रास्ते में नहीं नहीं फिर घर बाद में चलते हैं, और फिर कुछ खाते भी जाते हैं रास्ते में से, तो मैंने बोला नहीं डायरेक्ट घर चलो, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, घर पहुँच जाओ जल्दी से। फिर उन्होंने ज़िद करी है पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो हम आ गए थे पिज़्ज़ा हट में। तो
ज़बरदस्ती वो ज़िद करके लेके आ गए पिज़्ज़ा हट में, और हमने यहाँ पर देख ले सकते हैं आप गार्लिक ब्रेड मंगाया। हमने छोटा मतलब कम ही मंगाते हैं हम खाने के लिए, तो गार्लिक ब्रेड, दो गार्लिक ब्रेड मंगाए थे और स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा। हम ज़्यादा मतलब बड़ा पिज़्ज़ा नहीं मंगाते, छोटा पिज़्ज़ा मंगाते क्योंकि हमारा उसी से बहुत ज़्यादा मतलब पेट भर जाता है इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक मंगा ली है यहाँ पर, और हमने मंगाई यहाँ पर गार्लिक ब्रेड, और पिज़्ज़ा आने में भी टाइम है तो पिज़्ज़ा भी आने वाला है अभी। और यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं अपने मतलब शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं ना, तो वो अपनी वीडियोस के लिए रील्स वगैरह के लिए वो निकाल रहे थे, वीडियो निकाल रहे थे। और यहाँ पर आ गया है हमारा स्मॉल पिज़्ज़ा। आप सोच रहे होंगे स्मॉल पिज़्ज़ा क्यों मंगाया दो जनों में, हम इतने ही स्मॉल पिज़्ज़ा ही खाते हैं मतलब छोटा ही खाते हैं ताकि इसमें हमारा पेट भर जाता है। काफ़ी हैवी पिज़्ज़ा जो होता है ना, काफ़ी हैवी होता है ना, तो मतलब मैदा का बना हुआ तो काफ़ी हैवी हैवी सा महसूस होता है, तो थोड़े में हमारा पेट भर जाता है। और उसके बाद फिर हमने खा लिया था, और खाने के बाद हम जा रहे थे घर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।